नमस्कार दोस्तों, रोल फैक्ट्री फूड की आज की इस वीडियो में मैं अमित सोनी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आए हैं गोहाणा और गोहाणा में आपको ले चलते हैं गोहाणा की मोटी जलेबियों की दुकान। दोस्तों मेरे बिल्कुल बैक साइड में 5-6 दुकानें हैं और सभी बढ़िया जलेबियाँ बनाते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ जो लाला माथुराम की ओरिजिनल वारिस जो हैं वो बताए गए भाई, यहाँ की जो हमने जनता से पड़ताल करी वो पहली दुकान है जो कि अपना लाला माथुराम के नाम से है, और एक दुकान जो बताई वो लाला माथुराम मनोज कुमार गुप्ता के नाम से। दोनों दुकानें भाई ओरिजिनल हैं, आप कहीं से भी जलेबियाँ खरीद सकते हैं। आइए चलते हैं, बात करते हैं लाला माथुराम के जो वारिस हैं उनसे बात करेंगे और देखते हैं कैसा जायका है, कैसे जलेबी बनाते हैं। बने रही दोस्तों हमारे। कम से कम 5 क्विंटल के लिए भी बनती है। 5 क्विंटल काफी दूर दूर जाते हैं लोग, बहुत कहाँ कहाँ जाते हैं, राजस्थान, चंडीगढ़, अम्बाला और कई बहुत दूर से चेक करवा के लिए जाते हुए हैं। गौरव भाई, मतलब ये कितने टाइम से है, कैसे है, थोड़ा ये 1956 से है, मेरे दादाजी ने शुरुआत करी थी मंडी में। माथुराम जी आपके दादा? हाँ, मेरे दादाजी। राम राम जी। क्या नाम आपका? सत्य जी। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? 11-12 साल हो गए। 11-12 साल हो गए, बहुत बढ़िया। नमस्कार जी भाई साहब, क्या नाम आपका? मेरा नाम परमवीर है। परमवीर, तो भाई साहब ये गोहाणा की जो जलेबियाँ हैं, यहाँ तो 5-4 दुकानें हैं, ये दुकान आपने कैसे चूज की, क्या कारण है? ये भाई पुरानी दुकानों में से एक है और मेन दुकान यही है, असली दुकान ओरिजिनल दुकान यही है, यही है। मतलब ये माथुराम जी के जो लाला माथुराम उनके असली वंश जी हैं हमारे से, यही है। तो और एक इनकी ब्रांच एक और है ओरिजिनल, दो भीतर अनाज मंडी में है भाई, पुरानी अनाज मंडी में। हाँ, और दुकान है। हाँ, वो बिल्कुल इनके बाप दादा के टाइम की है। तो वहाँ का स्वाद और इसके स्वाद में कुछ फर्क है? नहीं, यह भी सेम है और वह भी सेम सेम है। हाँ, धन्यवाद जी भाई साहब, बड़ा अच्छा लगा आपसे। फिर मतलब दो जलेबी बहुत है भाई, तीनों ने भाई साहब। सर क्या नाम आपका? दीपक नाम है भाई। दीपक भाई कहाँ से हैं आप और कब से जलेबी टेस्ट कर रहे हो आप? हमने तो भाई पैदा हुए 5-8 है अंडला करे, 30 साल हो गए। तो भाई साहब हमारे दर्शक जानना चाहते हैं आपको, ये 5-6 जलेबी की दुकान है तो यही क्यों चूज करी आपने, ये कारण है? शुरू से ही आड़ा हमारी है, मैन ओरिजिनल है भाई, शुरू से ही सब। इसके अलावा भाई साहब समोसे, कचौरी, कुछ और भी टेस्ट करो भाई। सौदा सारा बढ़िया, पर मैं जलेबी है शुरू से ही लेकर जाते रहे जलेबी। बहुत बढ़िया। तो भाई ये देखो हमारे हाथ में है भाई गोहाणा की देसी घी की बनी गर्मा गर्म जलेबी, बिल्कुल गर्म है भाई, और पाइये की एक जलेबी है। तो दोस्तों कभी आप गोहाणा आओ, माथुराम की ये जलेबी जरूर टेस्ट करो भाई, साइज ज़बरदस्त है, स्वाद भी देखते हैं कैसा है। बाकी आजकल जलेबी जो आजकल के जो लड़के हैं, आजकल के जवान हैं, जलेबी जलेबी कम पसंद करें। बाकी भाई देसी की से बनाई बनी जलेबी और बिल्कुल बढ़िया तरीके से पक रही है भाई। तो दोस्तों हमने आज जो माथुराम जो ओरिजिनल माथुराम की जलेबी है वो टेस्ट करी, बहुत ही ज़बरदस्त स्वाद है। और ये देख भाई 5 क्विंटल संडे ने जलेबी बना देते हैं, पाइया की एक जलेबी है, बहुत ही ज़बरदस्त इनका स्वाद है। देसी घी में भाई, क्या बात है, देसी घी से बनी जलेबी भाई। कभी भी आप यहाँ पर आओ और गोहाणा के अंदर जब भी आप आओ, गोहाणा की ये स्पेशल जलेबी जरूर स्वाद लो, जरूर टेस्ट करो, अपने घरवालों को लेके जाओ। दोस्तों बने रहो, अपना ख्याल रखो, एक दूसरे का सहयोग करो, एक दूसरे का साथ दो। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, राम राम।